आज हम ऐसी कॉलोनी में एक बच्चे का रेस्क्यू करने जा रहे हैं। उस कॉलोनी के लोग इतने गंदे हैं, इतने बुरे हैं कि एक एक करके सारे कुत्ते या तो उनको पॉइजन कर रहे हैं, पर कौन कर रहा है वो खुद सामने नहीं आते। उन्होंने ऐसे जो स्वीपर होते हैं उनको हायर करके वो मिठाई में या पनीर में डाल के उनको या तो उठा लेते हैं छोटे बच्चों को और दूर फेंक आते हैं, और या फिर उनको कोई ऐसी चीज़ खिला देते हैं पॉइजन डाल के जिससे वहाँ पर सारे डॉग्स जो हैं वो मर रहे हैं। तो किसी एक जो उनको फीडर था उन्होंने हमारे को कॉल करा कि इस बच्चे की जान को बचा लो क्योंकि इसको भी मार दिया जाएगा। और ये काम कब करते हैं किसी को कुछ पता नहीं चलता, वो इतने शातिर हैं। तो उन्होंने बच्चा वो अपने घर के अंदर किया हुआ है, उसकी जान भी जा सकती है, उसके ऊपर भी ये डर है कि उसको भी मार दिया जाएगा। तो हम उस कॉलोनी से उस बच्चे को लेने जा रहे हैं। वहाँ से आगे भी हम दो तीन बच्चों का रेस्क्यू करके ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। तो ये बच्चा भी जो बचा हुआ है इसको भी हम रेस्क्यू करके लेने जा रहे हैं ताकि उस बच्चे की जान को बचाया जाए। हम उस लोकेशन पे आ गए हैं और उस घर में आ गए हैं जहाँ उन्होंने अंदर छुपा के रखा है उस बच्चे को। तो हम उसका रेस्क्यू करने आए हैं। तो ये जो मोहल्ला देख रहे हो, ये कॉलोनी देख रहे हो, इसका नाम भी मैं बता देती हूँ, डिफेंस कॉलोनी है। मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ सारे लोग जो हैं वो बुरे हैं, पर इसमें से मेजॉरिटी जो है उन लोगों की है जो इन बच्चों को पसंद नहीं करते, उनको इनसे दिक्कत है। और जो कुछ लोग इनको पसंद करते हैं वो कम लोग हैं, चंद गिने चुने लोग हैं जो इनसे प्यार करते हैं और इनको खुश देखना चाहते हैं, पर उनकी नहीं चलती। आपको पता है कि जहाँ मेजॉरिटी होती है और जहाँ कम वाले होते हैं वो दब जाते हैं। ये बच्चा जो है उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या होने जा रहा है, और उससे ये उसका जो घर है जहाँ बच्चे रहते हैं क्योंकि वही उनका घर होता है वो छिनने जा रहा है। वो एक ऐसी जगह जा रहा है जिसको वो जानता नहीं है, पर उसकी बेहतरी के लिए ये जो कदम है हमारे को उठाना पड़ेगा। तो इसलिए हम उसको लेने आए हैं क्योंकि ज़िंदगी है तो सब कुछ है, अगर ज़िंदगी नहीं रही तो कुछ भी नहीं होगा। तो हमारी पूरी टीम है उसको लेने आई है। इसका नाम शेरू है। शेरू है नाम इसका। चल कुछ नहीं कुछ नहीं, हम आंधे आंधे कोई गल नहीं, खड़े रहना बस कुछ नहीं करना। शेरू ना आंधे आंधे कोई नहीं। ठीक है शेरू, मैं शेरू देखा देखा दे अंदर नहीं रहना। एक्चुअली है मल्ले तो ये ना मतलब है ठीक है जी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉटी करके आना उन वाली को लोकी पत्थर मार दे। और भी लोग और भी है यार गली च। हां तो फिर ओना नु फिर ओना नु नहीं देख कहंदे कुछ नहीं। वो ना प्लाट से कर देना पार्टी, ये कर जांदा इने सड़क के हिसाब से जगह च। अच्छा है तो गली लगे ही। तो ये जो इसको प्रॉब्लम है कि ये जो पॉटी है बेचारा ये किसी के घर के आगे कर आता है, इसलिए इसको मारा जाता है, डंडे मारे जाते हैं, पत्थर मारे जाते हैं और धमकी दी जाती है। इसको उठा के घेर आएंगे, बच्चा डरा हुआ है, आप देख ही रहे हो कि वो डरा हुआ है क्योंकि इनको पता चल जाता है कि इनके साथ कुछ होने वाला है, इनको आभास हो जाता है। वो उसको आभास हो गया है, समझदारी बहुत है, बहुत समझदार। शेरू है ना, हम मिलने आ सकते हैं ना इसको, मिलने आओगे तो एडजस्ट नहीं होएगा, नहीं एडजस्ट होते हैं तो मिलने तभी आओगे जब ये एडजस्ट होएगा चार पाँच छः महीने के बाद। कई बारी होता है डॉग वहाँ जाके खाना छोड़ देता है, खाना नहीं खाएगा वो, इसको दुख लगेगा लगेगा ही क्योंकि अलग से एरिया में जा रहा है। तो कई बार होता है कि ये पूछ रहे हैं कि उसको मिलने आ सकते हैं, तो कई बारी उनकी टेंडेंसी होती है वो खाना छोड़ देते हैं। नहीं
बस बस तो इस बच्चे का रेस्क्यू कर लिया और आपने देखा है कि कितना मुश्किल होता है, बच्चा इतना डरा हुआ, आप डर उसकी आंखों में देख सकते हो। तो इसकी जान के लिए, इसकी जान को बचाने के लिए ज़रूरी था, इसलिए हम इसको लेके जा रहे हैं ताकि इसकी जान को बचाया जाए। अब ये मोहल्ला, ये कॉलोनी बहुत बड़ी है, कौन ऐसा करता है कौन नहीं, सामने कोई नहीं आता, पीठ के पीछे ये सारे काम किए जाते हैं क्योंकि उनको भी लगता है कहीं ना कहीं ये गलत है, तो गलत काम जो है हमेशा छुपके किया जाता है। चलो बैठो। बोल तो शेल्टर आ गया ले हैं। की दूध देखिए अपना पिलाओ। नहीं बोल रहा है हमारे के अंदर अंदर तो हम ले आए हैं शेल्टर में। आप देखो कि बच्चा कितना डरा हुआ है, शेल्टर में जगह है, इसलिए अपने घर में जो रूम है वहीं पे ही बच्चे जो है हमने अकोमोडेट करे हुए हैं, यहीं पे ही रहेगा ये शेरू भी। शेरू भी इधर ही रहेगा। आप देखो कि हर जगह बच्चे हैं, जब तक हमारा नया शेल्टर बिल्ट नहीं होता तो हमको भी दिक्कत है और इन बच्चों को भी दिक्कत है। तो जितनी जल्दी हमारा शेल्टर बिल्ट होगा उतनी जल्दी इनको अच्छी ज़िंदगी हम और दे पाएंगे। इस बच्चे का रेस्क्यू करना ज़रूरी था, तो इसलिए वो जो हम करके ले आए हैं।